हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी टेस्टी पनीर की रेसिपी बनाना बताऊंगी। अगर आपके बच्चे चुकंदर ना खाते हों तो आप इस तरह की टिप्स अपना सकती हैं और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी चुकंदर और गाजर की ये पनीर भुर्जी। इस तरह से हम इसे हल्का सा भी मिक्स करेंगे और फिर इसे ढककर पका लेंगे। आंच को आपको एकदम स्लो कर देना है, यानी लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। हरे प्याज की ऐसी सब्जी शायद आपने कभी नहीं खाई होगी। एक चम्मच तेल डाला है बड़े चम्मच से, और देखिए जीरा डाल दिया एक चम्मच छोटे। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। इसे थोड़े देर हम भून ले रहे हैं, थोड़ा सा स्टर हो गया। अब हम कर चुके हैं स्टर, अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज में ग्रीन प्याज डाल रही हूँ, ग्रीन प्याज का सागा, ये देखिए थोड़ा सा मैंने काटा था इसे 3 से 4 पेड़। अब इन्हें हम इस तरह से चला लेंगे। नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा, स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे क्योंकि और सब्जियां हमें डालनी हैं, तो नमक हल्दी हम सब डाल दे रहे हैं। अब देखिए 1/2 टेबल स्पून साल डाल रहे हैं, 1/4 मैं डाली हूँ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून हम किचन किंग डाल दे रहे हैं। या आप अपने जो भी करी मसाले यूज करते होंगे उसे डाल दीजिए और फिर इसे हम चला लेंगे। 1/2 केजी मटर हमने छील कर इसके दाने निकाल लिए थे, 1/2 केजी मटर हम डाल देंगे। 1 कटोरी कंप्लीट हुई है, इसे थोड़ी देर हम ढक सकते हैं। अगर आपको पानी कम लगे तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं इसमें। दो चम्मच पानी मैंने डाल दिया और हमारी मटर थोड़ी थोड़ी गल चुकी है। देखिए अब इसके अंदर हम पनीर ऐड करेंगे। होममेड पनीर है, इसे मैंने अभी कपड़े में नहीं जमाया था क्योंकि हमें इसकी पनीर भुर्जी बनानी थी। हम इसी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फिर पका लेंगे ताकि जो इसमें एक्सेस वाटर है ये भी हमारा सूख जाए। पनीर को देखिए प्रेस करके हमने पूरा वाटर नहीं निकाला था, तो ये थोड़ा थोड़ा अपने पक रही है। और हेल्दी और सुंदर टेस्टी बनाने के लिए, ताकि आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आए, इसमें आप टमाटर चुकंदर, आपके पास अगर मेथी है तो आप मेथी लीव्स भी डाल सकती हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, सब्जी इतनी टेस्टी लग रही है देखने में भी कि इसे तुरंत आपको खाने का मन करेगा। और एक बार आप इस नई रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, टेस्टी और देखने में बहुत ही यम्मी पनीर की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे आप पूरी पराठा या नान के साथ खा सकते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास जितनी वेजेस हो पनीर के साथ आप डाल सकते हैं। ये पनीर की भुर्जी है, यानी पनीर की सूखी सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।